ऐसे वीडियो गेम जिनमें इस्लाम की तौहीन की गई। कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी सैनिकों और युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ाकों का गेम है, जो कि सभी गेमर्स के बीच खासा मशहूर है। इस गेम में इस्लाम को कई जगह नीचा दिखाया गया है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में एक फोटो फ्रेम पर कुरानी आयतें लिखकर इस फोटो को टॉयलेट के अंदर लगाया गया है, जो कि एक नापाक जगह है। फिर आगे एक स्टेज में कुरान पाक को एक अलमारी में रखा दिखाया जाता है और खेलने वाले प्लेयर को इस जगह को बम से उड़ाकर आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 में तो गटर के अंदर कुरानी आयतें लिखी दिखाई गई हैं। इन्हीं कारणों के चलते यूएई ने इस गेम को अपने यहाँ बैन कर दिया था। रेजिडेंट इविल। रेजिडेंट इविल एक बेहद मशहूर गेमिंग सीरीज है, जिसके अब तक कई पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। इस गेम में भी इस्लाम की कई दफा तौहीन की गई है। इसमें गेम प्ले के दौरान जगह जगह कुरान शरीफ को जमीन पर गिरे हुए दिखाया गया है। साथ ही इसके एक स्टेज में शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा दिखाया गया है, और ये दरवाजा हूबहू मस्जिद नबवी के दरवाजे जैसा दिखता है। यहाँ गेम में दिखाए दरवाजे से अगर हम सिर्फ एक सिंबल को हटा दें, तो इन दोनों दरवाजों में फर्क पहचानना नामुमकिन हो जाता है। यानी इस गेम के डेवलपर्स ने मस्जिद नबवी के दरवाजे को शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा बताया है। प्रिंस ऑफ पर्सिया। इस गेम का मेन प्लेयर पर्सिया का प्रिंस दिखाया गया है, जो कि मुसलमानों का शहजादा है, और पूरे गेम में वो खून खराबा करता दिखाई देता है। इस गेम से भी मुस्लिम गेमर्स खासा नाराज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रिंस की तलवार पर अरबी भाषा में लिखा है स्प्रेड द टीचिंग, यानी तालीम को फैलाओ। बता दें कि ये शब्द असल में नबी हजरत मोहम्मद के हैं, और ये शब्द इस गेम में प्रिंस की तलवार पर लिखे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब निकलता है कि इस्लामिक लोग अपनी तालीम तलवार के दम पर फैलाते हैं, यानी कि तमाम मुस्लिम इस्लाम को खून खराबे से फैलाने पर तुले हैं। देखा जाए तो यहाँ तलवार पर ऐसे शब्द लिखकर गेम बनाने वालों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया है। डेविल मे क्राई। इस गेम का मुख्य किरदार शैतान के पुजारियों से लड़ता दिखाई देता है। इसके तीसरे भाग में एक टावर दिखाया जाता है, जिस पर वो लोग चढ़ाई करते हैं जो कि शैतानी शक्तियां पाना चाहते हैं। इस टावर में तमाम बुरे लोग इकट्ठे होकर शैतान की पूजा करते हैं, और इस टावर का मुख्य दरवाजा हूबहू काबा शरीफ के दरवाजे जैसा दिखाया गया है, यानी कि यहाँ शैतान के पुजारी मुसलमानों को बताया गया है। दोस्तों, इन गेम्स के अलावा भी ऐसे कई गेम्स हैं जिनमें इस्लाम का या तो मजाक उड़ाया गया है या फिर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। अब ये सब एकमात्र संयोग है या फिर गेम्स डेवलपर्स सोच समझकर ऐसी गलतियां कर रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।